देखिए, अगर आप भी यात्रा के लिए मेक माई ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि अब मेक माई ट्रिप पर भी जालसाजों की नजर पड़ चुकी है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। सावधान, मेक माई ट्रिप पर है जालसाजों की नजर। बस थोड़ी सी लापरवाही से हो सकता है आपको भारी नुकसान। उन्होंने मुझे टिकट देने से पहले, फेक टिकट देने से पहले और मेरे साथ फ्रॉड करने से पहले चेक भी नहीं किया कि मेरा टिकट बुक है या नहीं है, और मेरा पेटा पूरा डिटेक्शन हुआ है। कैमरे पर अपना दर्द बयां करने वाले इस शख्स का नाम है राशिद खान। राशिद को 9 दिसंबर को काम के सिलसिले में अबू धाबी जाना था। इसके लिए राशिद ने मेक माई ट्रिप ऐप के जरिए अपना टिकट बुक किया, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि टिकट फर्जी है। मतलब ये कि ना तो टिकट का नंबर ही असली था और ना ही एयरलाइन की लिस्ट में राशिद का नाम। राशिद ने मेक माई ट्रिप की हेल्पलाइन पर फोन किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिला। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वहाँ बैठा रहा। 6 बजे बोर्डिंग का अनाउंस हुआ, मैं काउंटर पे गया अगेन बोर्डिंग पास लेने। उसके बाद आशीष चौकली, उन्होंने मुझे स्टॉप कर दिया कि सर आपका रैपिड वाला तो ओके है, लेकिन जो पीसीआर वाला 48 आवर वो एक्सपायर हो गया बाय 1 आवर। यू कांट बिलीव इट, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज फेल चीटेड, आई वॉज फील एम्ब्रेस, आई फील इंसर्टेड। मुझे दोबारा उसके बाद वापस आना पड़ा। नकली टिकट होने के चलते राशिद खान अबू धाबी नहीं पहुंच पाए। उसी शाम राशिद खान ने दूसरी फ्लाइट से 25,000 रुपए खर्च कर नई टिकट ली। उन्होंने पूरा लिस्ट दिखाई, मेरा नाम ही नहीं था, और फिर नाम नहीं था। उन्होंने बोला सर दिस इज अ फेक टिकट और इसमें जो पीआर नंबर है वो फेक है, आपका टिकट दिल्ली टू अबू धाबी बुक नहीं हुआ है। और अब वो शिकायत के साथ कंज्यूमर कोर्ट पहुंचे हैं, तो वहीं मामले पर मेक माई ट्रिप का कहना है कि कंपनी राशिद के नुकसान की भरपाई करने को तैयार है और वो मामले की जांच कर रही है। 2 फ्लाइट की टिकट, 2 बार रैपिड टेस्ट और 60,000 से ज्यादा खर्च करने के बाद भी राशिद खान अपने परिवार से मिलने अबू धाबी नहीं जा पाए। पिछले 5 दिनों से राशिद खान का परिवार काफी परेशान है और कंपनी से इंसाफ मांग रहा है, लेकिन इस परिवार की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अभिनव गोयल, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।